हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी एंड आज हम पढ़ेंगे समरी एंड एनालिसिस ऑफ द पोम अ टाइगर इन अ जू, जो कि आपकी क्लास टेंथ के अंदर CBSE बुक्स के अंदर दी गई है। सबसे पहले चलिए हम इस पोएट के बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस जो है वो एक वेलिश पोएट है जिन्होंने बहुत से ही प्राइज़ जीते हैं अपनी स्टोरीज़ और अपने पोएम्स के लिए। नाउ वी मस्ट नो दैट ही इज़ द मोस्ट नोन पोएट एंड द टैलेंटेड वेलिश पोएट ऑफ पोस्ट वॉर, मतलब वॉर के बाद में ये सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा जाने माने पोएट हैं, जो कि जिन्होंने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं, वेलिश पोएट स्पेसिफिकली। चलिए अब स्टूडेंट्स हम इस पोएम के बारे में जानते हैं। सो द पोएम इज़ रिटन अबाउट द पिटीफुल कंडीशन। जैसे कि आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये पोम जो है वो एक टाइगर की बहुत ही जो मिजरेबल या पिटिफुल कंडीशन होती है उससे रिलेटेड है, दैट हाउ द टाइगर इज़ ट्रीटेड व्हेन ही इज़ इन अ जू। सो हाउ डज़ इट फील, एक टाइगर को कैसा फील होता है जब वो जू के अंदर होता है, जबकि हम सब जानते हैं कि टाइगर इज़ एन एनिमल हु स्टेज लाइक अ किंग इन द जंगल। सो ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, कि क्या टाइगर एक्सपेक्ट करता है अपनी लाइफ से जब वो फॉरेस्ट में होता है, और उसी तरीके से जब इसे एक जू में रख दिया जाता है तो हाउ डज़ इट फील लाइक। सो हियर द पोएम इज़ रिटन अबाउट द पिटिफुल कंडीशन ऑफ द टाइगर हु एक्सपेक्ट्स टू स्टे इन अ फॉरेस्ट एंड लिव लाइक अ किंग एंड हंट हिज प्रे। सो एक लायन जो है वो ये हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि वो एक जंगल में रहेगा और अपना शिकार खुद चुनकर खाएगा, जबकि इट हैज़ बीन केप्ट इन अ जू वेयर ही कुड नॉट इवन वॉक प्रॉपरली, जहाँ वो ठीक से चल भी नहीं पाता है जू के अंदर, एंड इट हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और वो क्या बन चुका है, सिर्फ लोगों के मनोरंजन का और अमेजमेंट का एक सोर्स बन चुका है। इसीलिए यहाँ पर एक टाइगर की जो मानसिकता है उसके बारे में बात की गई है, द माइंड सेट ऑफ द टाइगर। सो नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। फर्स्ट स्टैंजा, He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So students, यहाँ पर velvet quiet किसके लिए use किया गया है, pads यानी कि जो टाइगर के जो नीचे के पैर होते हैं, जो तले होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है, कि किस तरीके से वो शांत है, और रेज यहाँ पर वर्ड जो है वो एंगर यानी गुस्से के लिए यूज़ किया गया है। नाउ लेट्स सी, द टाइगर हैज़ अ पावरफुल पर्सनैलिटी एंड ही इज़ वॉकिंग इन टू द केज विद अ डिसअपॉइंटमेंट। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक टाइगर है जिसकी एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी होती है, लेकिन इसमें पूरा कंट्रास्ट दिखाया गया है कि वो किस तरीके से एक छोटे से केज के अंदर धीरे धीरे चल रहा है एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ। ही कुड नॉट वॉक मोर दैन फ्यू स्टेप्स इन टू द केज सो दैट ही इज़ वॉकिंग बाई हाइडिंग इज एंगर, पर वो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए वो अपने दर्द को या अपने गुस्से को छुपा रहा है और बस अंदर चुपचाप चल रहा है। ही शुड बी लुकिंग इन शैडो। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया गया है, ही शुड बी, मतलब उसे क्या करना चाहिए। ही शुड बी लुकिंग इन शैडोज, लुकिंग का मतलब होता है छुपना। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। सो बेसिकली एक जो टाइगर होता है इसका किस टाइप का नेचर होता है, कि ये इस तरीके से ग्रासेस के बीच में छुपकर एक वाटर होल यानी कि एक छोटे से पॉन्ड के पास में खड़ा है। टाइगर इमेजिन कर रहा है अपने आप को कि उसने अपने आप को पत्तों के पीछे छुपाया हुआ है, और एक पॉन्ड जहाँ पर कुछ डियर यानी कि जो हिरण है वो पानी पीने के लिए आए हैं, यानी कि टाइगर के शिकार उन्हें देख रहा है कि कब वो थोड़े इधर उधर हों और टाइगर उन्हें झपटे। सो नाउ ही रिमेंबर्स, ये अपनी लाइफ को रिमेंबर करता है, व्हेन ही वॉज इन अ जंगल एंड ही यूज़ टू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द ग्रास नियर टू द पॉन्ड एंड ही यूज़ टू लुक फॉर द प्रे राउंड फैट डियर पासिस फ्रॉम देयर। और उसका क्या काम होता था, वहाँ पर खड़े होकर ये ध्यान रखना कि कब उसका शिकार उसे मिले और वो उस शिकार को पकड़े। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। अब टाइगर का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और सभी लोग उससे डरते हैं, तो यहाँ पर टाइगर अपने उस एटीट्यूड के बारे में भी सोच रहा है कि एक समय था जब मेरा ऐसा एटीट्यूड हुआ करता था कि मैं जब स्नैरलिंग करता था, स्नैरल मीन्स रोर, आवाज़ निकालना, तो जंगल के कॉर्नर पे यानी कि जो आउटस्कर्ट्स होते हैं विलेज के, जो बाहर का एरिया होता है जहाँ थोड़े बहुत घर बने हुए होते हैं, उस एरिया के लोग उससे बहुत ज़्यादा डरा करते थे, बिकॉज़
ही हैज़ अ एटीट्यूड कि जब वो रोर करता है यानी कि जब वो चिंघाड़ता है उस समय सभी लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है कैनाइन यानी कि ये सामने वाले दांत। वो सिर्फ अगर अपने दांत दिखा दे या अपना पंजा दिखा दे इंसानों को तो इंसान उससे डर कर भाग जाते हैं और पूरा विलेज उससे डरा करता था। He expects himself to walk around the outskirts of the village and make the snarling sound. वो ऐसा expect कर रहा है यानी कि सोच रहा है कि एक समय मेरी लाइफ ऐसी थी जब मैं ये सब किया करता था, क्या कि विलेज के साइड पर खड़ा होकर वहाँ से ही लोगों को डरा कर भगा दिया करता था सिर्फ अपने दहाड़ से। He could terrorize or frighten people by his sharp canines and claws. और वो लोगों को डरा सकता है अपने sharp canine यानी अपने दांतों से और अपने पंजों से। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अब इसकी लाइफ कैसी हो गई है कि ये बंधा हुआ है कॉन्क्रीट सेल्स के अंदर। हिज स्ट्रेंथन बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और अब यहाँ पर टाइगर क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी लेंथ देख रहा है केज की और लोगों के देखने का, लोगों के मनोरंजन का एक साधन बन चुका है। एंड ही इज़ जस्ट इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो अपने दुख में ही मशगूल है एंड ही इज़ जस्ट इग्नोरिंग द विजिटर्स जिनको वो देखना भी नहीं चाहता। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ बिहाइंड द बार्स एज ह्यूमंस लॉक्ड हिम इन द जू। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दुख है कि वो किसमें है, बिहाइंड द बार्स यानी कि जेल के अंदर है, केज के अंदर है। He can just imagine his personal life that how he used to be in the jungle. वो सिर्फ imagine कर सकता है अपनी उस personal life को जब वो जंगल में हुआ करता था और सिर्फ ignore कर सकता है visitors को, उसके अलावा उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। Now he hears the last voice at night. अब students हम यहाँ जानते हैं कि एक tiger जो है जो कि एक जंगल के अंदर ना होकर एक cage के अंदर है, उसे last क्या आवाज़ें सुनाई देती है, वो है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स वो कार्स होती है जिसमें सोल्जर्स होते हैं यानी कि कुछ पुलिस मेंबर्स होते हैं जो कि पूरे ज़ू के अंदर पहरा देते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं चल रहा। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। सो एज वी नो दैट द टाइगर हैज़ द ब्रिलियंट आइज, सो वो क्या कर सकता है, सिर्फ अपनी डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सोच सकता है स्टार्स की तरफ देखते हुए। Now here you can see that he can only hear the voice of patrolling cars, means the police guards who came in a car to vigilate the zoo during the night. Now यहाँ पर जो lion है, sorry जो tiger है, वो सिर्फ उन cars की तरफ देख रहा है और अपने disappointments के बारे में सोच रहा है। The tiger could not do anything, only looks at the stars. वो सिर्फ stars की तरफ देख सकता है और अपना ध्यान divert कर सकता है किसकी तरफ से, अपनी मजबूरियों की तरफ से। मतलब वो अपने आप को एक तरीके से डाइवर्ट कर रहा है अपने दुख और अपनी प्रॉब्लम से। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द लिटरेरी टर्म्स गिवन ऑफ दिस चैप्टर। पहली इसकी राइम स्कीम है जो कि ए बी के फॉर्म में दी गई है। द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द टाइगर हैज़ बीन, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है यानी कि टाइगर को ही बोला गया है इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज़ ओनोमेटाफोइया, ओनोमेटाफोइया का यूज़ किया गया है क्योंकि साउंड स्नैरलिंग का यूज़ किया गया है। इमेजरी, इमेजरी मतलब एक इमेज जो कि लायन अपनी लाइफ की एक इमेज जो इमेजिन कर रहा है उसके बारे में बात की गई है। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली कॉन्सोनेंट्स का साउंड आना। सो यहाँ पर शुड एस, शुड शैडो एस, स्लाइडिंग एस और ग्रास एस, बार बार कॉन्स्टेंटली एक कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है इसीलिए इसमें कॉन्सोनेंट्स का यूज़ किया गया है। एजनेंस का यूज़ किया गया है क्योंकि कॉन्स्टेंटली वॉवल्स का यूज़ हो रहा है, जैसे कि इन में आए, हिज में आए, वाइविड में आए एंड स्ट्रिप्स में आए। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स यहाँ पर इन सभी लिटरेरी टर्म्स का यूज़ हो रहा है। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड और द एक्सप्लेनेशन एनालिसिस ऑफ दिस पोम, प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।